मम्मी मेरी शादी टमाटर से करा दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पहले तो उन्होंने रिश्ता कर लिया, अब ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने? मैं तो वैसे ही हूँ जैसे पहले था, क्यों तोड़ दिया मेरे साथ उन्होंने रिश्ता अपना? चल बेटा अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो उनकी मर्जी है कि वो रिश्ता करें या तोड़ें। हमने तो पूरा जोर लगाया था पर क्या कर सकते हैं अब। लोकी बहन ये बैगन क्यों रो रहा है? इसकी तो शादी होने वाली थी और ये तो मुंह लटकाए लटकाए इधर से उधर घूम रहा है, क्या हो गया इसको? अरे आलू भाई, जैसा कि तुम जानते हो कि इसका रिश्ता टमाटर के साथ हुआ था पर अब टमाटर के घर वालों ने साफ साफ रिश्ता करने से मना कर दिया, इस करके ये बेचारा निराश होया इधर से उधर घूम रहा है। भला टमाटर वाले ये रिश्ता कैसे कैंसिल कर सकें? उन्होंने अपनी मर्जी से रिश्ता किया था और अब कह रहे हैं कि हम रिश्ता नहीं करेंगे, ऐसा क्या हो गया? लड़का तो वैसे ही है, ये कौन सा नशा करना शुरू हो गया कि इसका साथ रिश्ता बंद कर दो? गलत बात कर रहे हैं ये टमाटर वाले हैं। हाँ भाई मैं गई थी बात करने उनके घर पे, तो वो कहते हैं कि जब रिश्ता किया था 2 महीने पहले तो उस समय के हालात कुछ और थे। अब तो कहते हैं हमारा बड़े घरों में सिर्फ आना जाना, हम गरीबों के घर नहीं जाते ना ही गरीबों के मुंह लगते हैं, इसलिए हम रिश्ता नहीं कर सकते। कहते उस समय टमाटर 15 रुपए किलो था रेट, अब 200 रुपए किलो बिक रहा है, तो हम क्यों गरीबों के साथ रिश्ता रखेंगे? अब तो अमीरों के साथ ही रिश्ता रखेंगे। चल बहन तू कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र कर और इंतजार कर, 1-2 महीने की बात है, बरसात बंद होगी तो इसके भी ढंग बदलने शुरू हो जाएंगे, अपने आप ये आएंगे तुम्हारे पास रिश्ते के लिए, उस समय तुम नहीं माना, कोई बात नहीं, आज इनका टाइम है, ये अकड़ दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं बैगन तू चुप हो जा, कोई बात नहीं टमाटर ये तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझसे कितना प्यार करता था, तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, अपने घर वालों को समझाती, हमारी शादी होती, हमारे बच्चे कितने अच्छे रहते, हम कितने प्यार से रहते। टमाटर तू अभी भी सोच, अपने घर वालों को मना दे, मना ले नहीं तो मेरा रहना बहुत मुश्किल है तेरे बिना टमाटर।